द्रोचरी पढ़े। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 30 जून 2010 की कॉस्ट कही थी निकालने को। मैंने कल आपको ना कंबाइंड मल्टीपल सोर्सेज वाला सवाल करवाना था और उसका तरीका ये बताया था कि सवाल करने का सारा कुछ सेम है, बस दो मर्ज हो गई चीजें। जो स्पेसिफिक में सीखा था, जो जनरल में सीखा था, वो मर्ज हो गया। बस एहतियात इस बात की रखनी है कि आपको ये दोनों वर्किंग साइमल्टेनियसली चलानी है और इस चीज का ध्यान करना है कि कब कौन सी पेमेंट किस वर्किंग में लिखनी है। ये इस सवाल को करके ही काम सिखाना है। बस ये दोनों वर्किंग्स साइमल्टेनियसली चलाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग और जनरल बोरिंग वाली वर्किंग। कैश फ्लो कब हुआ था? फर्स्ट जुलाई 9 को, और उस वक्त अपना पैसा भी नहीं था, स्पेसिफिक लोन भी नहीं आया हुआ था, इसलिए जनरल लोन से किया होगा। फर्स्ट जुलाई 09 कितना खर्चा था? 10। और ये 10% था असल में 100 मिलियन का। अगला खर्चा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। अगला खर्चा हुआ था जब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया था 30 सितंबर को बिल, और उसकी पेमेंट 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक पैसे अपने वाले आ चुके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो पॉइंट नंबर 1 ने लिखा है ना, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, ये मैंने आपको पढ़ाना है अभी। अभी इसका मतलब ये बताया था कि आप समझिए ओनर्स ने बिजनेस में पैसा और लगाया है, तो बिजनेस का अपना पैसा हो गया या बोरिंग है, अपना पैसा हो गया। तो ये कब आया? 1 सितंबर। अब ना अपने पैसे की भी एक वर्किंग चलानी पड़ेगी। इसके ऊपर अगर कहीं इन्वेस्ट करके कुछ कमा ले, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ जो स्पेसिफिक लोन के बचे हुए पैसों में हाँ आना है ना, उस पर इनकम वहां से लेस होगी। जनरल बोरिंग वाली भी नहीं होनी। ये अपने पैसे आ गए, इसमें बस दो ही चीजें काफी हैं,
डेट और इनफैक्ट यहाँ ट्रांजेक्शन भी क्या लिखनी है, बस बैलेंस ही ठीक है, यानी अमाउंट ही काफी है, अपने पैसों की वर्किंग भी अब आ जाएगी। अपने पैसे कब आ गए बिजनेस के पास? 1 सितंबर। 1 सितंबर को आ गए कितने? 15। मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल जिसमें स्पेसिफिक बोरिंग भी है, जनरल बोरिंग भी है, और अगर अपने पैसे भी हैं तो अपने पैसे की भी एक वर्किंग अलग बन जाएगी। लेकिन इस वर्किंग का मकसद कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हम यहां पर जाएं या यहां से काम चल जाएगा, इसलिए ये वर्किंग बनाइए। 1 जुलाई 2009 यहां भी पैसे नहीं थे, दूसरा नंबर यहां भी पैसे नहीं थे, फिर हमने यहां लिखे थे। तो मल्टीपल सोर्सेस के सवाल में पैसा खर्च कहां से करना है? नंबर 1 अपने पैसों से, नंबर 2 यहां से, फिर नंबर 3 यहां से, ये इस चीज का ध्यान रखना है बस। तो 15 अक्टूबर वाले दिन यहां पैसे हैं? हां हैं, तो यहां से खर्च हो गए 10 नहीं है शायद 9 है, 9। कितने पैसे दे रहे हैं हम? इतने तो नहीं है, चलो जितने हैं वो तो करें ना, बाकी नंबर 2 स्पेसिफिक है नहीं, फिर बिल आया था 30, लेकिन देने थे इसमें से इतने 15 वहां से हो गए, बाकी यहां से 80% क्या किया, 10% एडवांस काटना था, 5% रिटेंशन काटनी थी, तो हमने इसमें से देने इतने थे, 15 वहां से हो गए, बाकी यहां से 10.5 जी। क्या 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 यहां पे कर ले, 30 मिलियन का 85% कितना बना? 25.5। इसमें से 15 यहां से हो जाएंगे, बाकी 10.5 वहां से हो जाएंगे। तो ये यहां पर तो नजर आ रहा था ना कि इतने ज्यादा पैसे हैं कि 15 यहां से पूरे नहीं होने, इसलिए मैंने बस 15 माइनस कर दिया, वरना उसको अलग से पहले लिख के देख लेते हैं कि पैसे देने कितने हैं, इतने देने हैं, चलो 15 यहां से कर लेते हैं, बाकी 10.5 यहां से कर लेते हैं। 15 अक्टूबर के बाद अगली पेमेंट कब हुई? अगला बिल आया 31 दिसंबर 2009, तो उस पर 15 दिन लगा लें, अगली पेमेंट 15 जनवरी, 15 जनवरी को यहां पैसे, ये तो खत्म हो गया सिलसिला। स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक आ गया हुआ था, ये ध्यान है बस उस मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल में कि आपने डेट्स का सोर्सेज का ख्याल रखना है। तो 1 दिसंबर को ये आ गया हुआ था, पॉइंट नंबर 2 ये आ गया हुआ था लोन 1 दिसंबर को, कहां आ गया था कब कहां, दोबारा देखें, पहली पेमेंट किस दिन की है? 1 जुलाई, उस दिन अपने पैसे थे, 1 जुलाई में अपने पैसे थे, 1 जुलाई में अपने पैसे थे। अच्छा दोबारा इस सवाल में अपने पैसे हैं कौन से? वो जो ओनर्स ने बिजनेस में डाले, कब? तो अपने पैसे 1 सितंबर को आने, उससे पहले नहीं है। स्पेसिफिक लोन कब किया है? 1 दिसंबर, तो यहां 1 दिसंबर को पैसे आने, उससे पहले नहीं है। तो सबसे पहली पेमेंट 1 जुलाई 2009 को थी। मल्टीपल सोर्सेस के सवाल में हमने पैसे कहां से पहले इस्तेमाल करने हैं? अपने पैसों से, नहीं थे अपने पैसे 1 जुलाई को। दूसरा नंबर स्पेसिफिक लोन, वो भी नहीं था 1 जुलाई को, इसलिए तीसरा नंबर हम जनरल बोरिंग में आए थे। उसके बाद दूसरी पेमेंट 15 अक्टूबर को हुई, इस दिन फिर पहला नंबर अपने पैसे, हां आ चुके थे लेकिन थोड़े थे, इस्तेमाल कर लिए। दूसरा नंबर 15 अक्टूबर को वो नहीं आया हुआ था, इसलिए हमें यहां आना पड़ा। हर पेमेंट को हमने देखना है कि यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, फिर यहां आना है। अच्छा अगर यहां भी ना हुए तो बंद कर दो, मतलब ऐसे शौक ही को पालना, अगर पैसे नहीं है तो यहां होंगे, यहां होंगे पैसे,
ये नहीं होगा कि यहाँ भी नहीं है बिजनेस, तो बिल्डिंग ही ना बनाए ना, तो बिल्डिंग बना रहा है, पैसे चाहिए तो होंगे यहाँ पर। लेकिन तरतीब ये है कि पहले अपने पैसे, अच्छा अपने पैसे कैसे हो सकते हैं, या तो ओनर के दिए हुए हो सकते हैं, सवाल में दिया होगा, हो सकता है सवाल में लिखा हो कि इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बिजनेस ने पहले ही 40 मिलियन संभाल के रखा हुआ था, तो फिर वो 40 पहले ही रखा हुआ था, पहले वो खर्च होगा। ये अपने पैसे मुराद है, अपने पैसे का मेरा मतलब है नॉन बोरिंग, जो बोरिंग नहीं है, तो पहले वो पैसा जो रखा होगा वहां से पूरा करेंगे, खत्म हो गया, फिर दूसरा नंबर यहां का आएगा, ये भी खत्म हो गया, फिर जनरल पे आएंगे, ये तरतीब है। तो मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल में सिर्फ इस बात की एहतियात रखनी है कि आप ये डेट्स के ध्यान से देखना है कि जब जब पेमेंट की जरूरत थी तो कहां से वो पेमेंट यूज कर ली, ये हर पेमेंट के ऊपर देखना है। 15 अक्टूबर वाली पेमेंट को यहां क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर पैसे आ चुके हुए थे लेकिन पूरे नहीं थे, दूसरा नंबर यहां आना था लेकिन 15 अक्टूबर को तो पैसे ही नहीं आए थे इसलिए हमें यहां आना पड़ा। तीसरी पेमेंट 15 जनवरी की पेमेंट के लिए फिर यहां देखते हैं, नहीं यहां पर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये खत्म हो गए, यहां देखते हैं। और हां यहां पर 15 जनवरी से पहले 1 दिसंबर को आ गए थे पैसे, कितने पैसे आए थे, कितने आए थे, 40, ये कट गए थे ना, ये चार्जेस काट के दिए थे बैंक के पैसे, तो पैसे हमें इतने मिले थे, ये कल बताई थी बात, इतने पैसे हमारे पास ये सरप्लस फंड में पड़े हुए थे। तो अब जब 15 जनवरी वाली पेमेंट होगी तो वो यहां से होगी, कितने पैसे देने हैं 15 जनवरी को, 20 का तो है बिल, हमने देने हैं इतने 17, थोड़ा बहुत सारा बता दिया, पूछे क्या बताऊं, तो बड़ी पुरानी बात पूछ ली आज, 85% कैसे बना, नहीं मुझे नहीं बात सुन रही, टेंशन में नहीं तो इतने दिन हो गए करते करते है? नहीं ना यार, पहले भी तो 2-3 दफा ये रिटेंशन है, नहीं डर के मालिक था यार, शीशा पाती कैसे कैसे लोग सवाल कर लेते, मैं कुछ नहीं कहता नहीं मैंने तो नहीं देखा नहीं डर किस बात का यार, तो अभी भी दफा करते, अभी क्या पूछ, अभी क्यों पूछ रहे फजूल सा सवाल, नहीं आप क्लासेस में आ रहे हो पहले का रेगुलर, मैंने एक दिन वो डबल एंटीज का सवाल कराया था, वो लेक्चर रिवाइज करना, उसमें ही सारी कहानी बताई थी रिटेंशन मनी वाली, वो फिर रिवाइज करके दोबारा पूछ लेना, क्लास के अलावा क्या होती है भी रिटेंशन मनी समझ मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन सही कह रहे होंगे, रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता जा रहा है तो हम उसके पैसों में से कुछ पैसे रख रहे हैं कि जब ये काम पूरा कर लेगा उसके भी कुछ अरसे के बाद फिर वापस करेंगे, तो क्यों रख रहे हैं, तसा तसा के पैसे देने, ये काम की वारंटी के तरह का होता है कि उसके काम में कोई खराबी निकलेगी तो ठीक करने आएगा, क्योंकि उसके पैसे हमने देने होंगे, ये रिटेंशन का कॉन्सेप्ट है। तो हम 5% वो रिटेंशन के नाम पे काट रहे हैं और 10% एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए 85 लिखा हुआ है, जो शुरू में एडवांस दिया था। 15 जनवरी के बाद अगली पेमेंट 31 मार्च को बिलाया है तो 15 अप्रैल, हर पेमेंट पे आपने यही 3 तरतीब चलानी है, 15 अप्रैल नहीं खत्म हो गए, यहां पैसे हैं लेकिन कम है, बिल कितना है 10 मिलियन का बिल है लेकिन देने कितने हैं 8.5, यहां कम है, चलो जितने हैं वो तो देना, खत्म हो गए पैसे, बाकी यहां से बिल 10 मिलियन का है, देने इसमें से 8.5 हैं और 7.5 वहां से हो गए। वर्किंग शो करना अपने लिए तो चाहिए ही ना, नहीं लेकिन आपको खुद भी तो ये 1 जबानी नहीं पता चल रहा ना, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना, लिखें लिख दें इसको, लिखें ब्रैकेट में लिख लें कि कैसे निकला,
ये है मल्टीपल सोर्सेज का सवाल करने का तरीका कि जब जब पेमेंट्स हो रही हैं आपने तीन चीजों को सामने रखना है, अपने पैसे, स्पेसिफिक लोन वाली वो इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग और जनरल बोरिंग। जिस दिन पेमेंट करनी थी उस दिन देखना है सबसे पहले कि यहां पैसा अवेलेबल है कि नहीं, नहीं है तो यहां अवेलेबल है कि नहीं, यहां भी नहीं है तो फिर यहां आना। रिटेंशन मनी पे इंटरेस्ट इनकम कौन सी आ रही है? नहीं देखें, हमें जितना पैसा मिला है स्पेसिफिक लोन का वो हमने यहां रख लिया, अब उसमें से जितने पैसे दे रहे हैं वो जो भी है पैसे जो दे रहे हैं, बस दे रहे हैं वो देते जा रहे हैं, बाकी बचते जा रहे हैं, तो जितने बचते जा रहे हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं। पूरा 20 क्यों नहीं दिया, 17 क्यों दिया, जो भी वजह हो 17 दिया ना, बस 17 दिया है, बाकी बचे रह गए। हाँ जी, 15 अप्रैल तक की पेमेंट्स में बताइए। देखो बेटा, मल्टीपल सोर्सेज में यही है कि ये सारी लाइनें हम अलग अलग सवालों में तो कर आए हुए हैं। जब जनरल बोरिंग का सवाल था तो ये लाइन तो लिखते ही थे, सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट लाइन पूछा हो तो ये लाइन, कॉस्ट ऑफ एसेट पूछिए तो ये दो लाइनें, स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल था सिर्फ पूछा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज तो ये लिखते ही थे, कॉस्ट ऑफ एसेट पूछी थी तो ये लिखते थे। तो ये काम हम अलग अलग तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल में ये सब कंबाइंड हो गया, कैलकुलेट करने का तरीका वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेहनत ये करनी पड़ रही है कि ये दो वर्किंग साइमल्टेनियसली चलाएंगे, और अगर सवाल में अपने पैसे हुए तो फिर ये भी करनी पड़ेगी। और एहतियात किस बात की कि जब भी पेमेंट होगी आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त वो पेमेंट कहां से करनी है, बस ये एहतियात रखने हैं। मल्टीपल सोर्सेज वाला सवाल हो गया। 15 अप्रैल के बाद अगली पेमेंट, तीस जून का बिल आया वो तो 15 जुलाई पे जाएगा, लेकिन हमारा सवाल है ही नहीं 15 जुलाई का, हमारा सवाल तो हमें 30 जून पे रोक रहा है, तो बस 30 जून तक रुक जाएंगे। ठीक है, वो जो चौथा बिल है वो तो अभी पे ही नहीं हुआ ना, सवाल रुक गया 30 जून तक, सवाल रुक गया तो वो 15 जुलाई वाली चीज हमारे सवाल से बाहर निकल गई। एक और भी पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ जी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट और है, कॉन्ट्रैक्टर ने हमें एक और बिल भेजा था जो उसने कहा था कि भी बारिशों से नुकसान हुआ है तो मेरा इतना खर्चा और हुआ है, तो मांगे उसने 1.5 मिलियन थे, हमने नेगोशिएशन के बाद उसको फाइनली 15 मई को 1 मिलियन दे दिया, तो उस 1 मिलियन को भी तो पे किया ही है ना, तो वो 1 मिलियन कहां से पे करें, यहां पैसे खत्म हो गए, यहां भी खत्म है, तो यहां से पे करना पड़ेगा, उसको मैं यहां पेमेंट नहीं लिखूंगा। क्यों? उस 1 मिलियन को हमने यहां ऐड किया था, ये 75 कैसे बना था, वो 1 यहां ऐड किया था, क्यों नहीं, क्योंकि एक एबनॉर्मल खर्चा था ना, बारिशों का नुकसान हमसे वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, तो IS 16 के मुताबिक एबनॉर्मल था, इसलिए यहां ऐड नहीं किया था, वो हमने बिल्डिंग के कॉस्ट में नहीं किया ऐड। क्या उसको पैसे भी नहीं देंगे कि IS 16 ने मना किया, जाओ शाबाश निकलो यहां से, पैसे तो देंगे, वो एक्सपेंस बनेगा, पैसे देने से नहीं है इनकार, लेकिन उसको इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे। जब हम उस 1 मिलियन को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड ही नहीं कर रहे, अगर उसकी पेमेंट यहां लिख दी तो उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा, वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, जबकि हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना ही किस पे है, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, जो एसेट पे खर्चा हो रहा है, हम उस 1 मिलियन को एसेट का खर्चा ही नहीं मान रहे, वो 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को देना है, लेकिन क्या बिल्डिंग में ऐड किया है, नहीं किया ना, तो वो एसेट पे खर्चा ही नहीं है, तो जब वो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट ही नहीं है तो फिर यहां पर क्यों लिखें उसको, इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे, पैसे देने हैं लेकिन यहां लिखना नहीं है कि जब वो खर्चा ही नहीं है एसेट के ऊपर तो फिर यहां पर क्यों लिखें उसको, इसलिए इन वर्किंग्स में नहीं आएगा वो 1 मिलियन। हां जी है, बिजनेस के पास ये पूरा बोर्ड थोड़ी है, और भी बिजनेस के पास बहुत सारी किताबें, बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इन वर्किंग्स में नहीं आएगा। यहां तक जितना मैंने किया है उसमें कोई मुश्किल परेशानी है तो बोलिए। मैंने ये सारी वैरायटियां सिवाय इस चीज की, और ये भी मैंने आपसे कल कहा था कि ये 3 अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ था जो कि टेक्निकली नहीं होना चाहिए था, उसके बाद नहीं हुआ, ये चीज छोड़ी जा सकती है, लेकिन उन 3 में से एक सवाल आई कैप्टन ने बुक में डाला हुआ है, इस वजह से मैं इसको इग्नोर नहीं करता। ये ना 3 अटेम्प्ट थी, ऑटम 10, ऑटम 9, ऑटम 10 और ऑटम 11, इनमें ये सवाल आए थे जिनमें ये वाले चार्जेस थे, और एक लोन रीपेमेंट चीज बताने लगा वो थी,
ये चीजें दोबारा उस तरह से नहीं टेस्ट हुई, ये चार्जेस नहीं होने चाहिए आपको टेस्ट। लेकिन उन तीन में से ऑटम नाइन अटेम्प्ट वाला सवाल आई कैप ने अपनी बुक में शामिल किया हुआ है, ये भी समझ सकता हूं कि बस सवाल पकड़ के डाल दिए बुक के अंदर, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बुक में जब डाली नहीं है और एग्जामिनर पेपर बनाने बैठे और वो बुक को सामने रखे कि अच्छा चलो ये भी इस तरह का सवाल बना लेते हैं, तो ये चीज हो सकता है दोबारा टेस्ट हो जाए, इसलिए बताइए वन ऑफ चार्जेस वाली है। मुश्किल नहीं है लेकिन पहले कभी किया नहीं ना इस चैप्टर में पिछले 8-10 दिन से, इसलिए कह रहा हूं। अब जो मैं रीपेमेंट वाली बात एक बताने लगा हूं, वो मुझे लगता है कि वो लेवल वन क्वेश्चन की बात नहीं है, सिर्फ एहतियातन बता रहा हूं क्योंकि वो एक सवाल बुक में डाला हुआ है, इसलिए बता रहा हूं, वरना ये लेवल वन टाइप की चीज नहीं है जो बताने लगा हूं। फिर भी कोशिश कर लें, ये जुमला इसलिए बोल रहा हूं कि ये ना हो कि इस आखिरी एडजस्टमेंट की वजह से आप इस सारे सवाल को छोड़ दें, इसलिए फिर पूछ रहा हूं, इस सवाल में से कुछ पूछना है तो पूछें। मल्टीपल सोर्सेज वाले सवाल में सिर्फ एक एहतियात ऐड हुई है, बाकी यही सारी चीजें अलग अलग पढ़ी हुई हैं। देखो यार कुछ कहा मैंने, आप डरते रहते, पूछा करें आप सवाल, जब भी पूछना। मल्टीपल सोर्सेस डन। इसमें एक पॉइंट लास्ट बताने लगा हूं और उस लास्ट पॉइंट से पहले पहले वाला सवाल डन, तो बस मल्टीपल सोर्सेस हो गए, ये लास्ट वाला पॉइंट हुआ है टेस्ट, इसलिए कोशिश कर ले समझ आ जाए, तो ना समझ आए तो ये सवाल नहीं छोड़ रहे आप, ये सवाल हो गया है, बस लास्ट एक लोन रीपेमेंट वाला पॉइंट है, ये समझने की कोशिश कर ले। सवाल इधर से कोई सर की आवाज आई थी, हाँ जी बोलो। नहीं तब तक तो ये बॉर्डिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का चैप्टर क्लोज हो गया होगा ना, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो रिटेंशन तो उसके बाद ही कहीं पे होगी, तो जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो हमारी ये सारी कैलकुलेशंस को फुल स्टॉप लग जाएगा। जी है ये वर्किंग ही नहीं की ये वाली, लोन वगैरह कौन सा लिख लें पहले, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये, बाकी लोग भी सुन लें। स्टूडेंट ने कहा यह है कि हम यहाँ जब पैसे आने हैं हम सवाल से पहले वो डेट ढूंढें और वो यहाँ लिख दें, यानी सवाल पढ़ लिया ना पूरा, सवाल पढ़ के नजर आ रहा है कि लोन लिया है 1 दिसंबर, तो ये लाइन सबसे पहले यहां लिख दें, फिर ये नजर आ रहा है कि ओनर ने पैसे 1 सितंबर को दिए हैं, वो लाइन यहां लिख दें, एक बार ये दोनों लाइनें लिख लें, अब खर्चों को ढूंढना शुरू करें, तो इससे पता चल जाएगा कि 15 सितंबर को जो खर्चा हुआ वो यहां से हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 जुलाई को जो खर्चा हुआ वो यहां से हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छी टिप है कि जो पैसे आ रहे हैं पहले वो यहां लिख लें, ताकि फिर ये अंदाजा हो जाए खर्चा डेट किस डेट को है कि कहां से कर सकते हैं। ठीक है शाबाश, सही कि पहले ये लाइन लिख लें और ये लाइन लिख लें, फिर पेमेंट्स को ढूंढना शुरू करें कि कौन सी पेमेंट किस दिन हो रही है और वो कहां से करनी। लास्ट लोन रीपेमेंट का पॉइंट बताने लगा हूं, उससे पहले कोई इस सवाल में परेशानी मुश्किल है तो पूछें। अच्छा अभी तक जितने सवाल किए हैं क्या मुश्किलें इसमें लग रही हैं आपको 23 में, क्या क्या मुश्किलें? फॉर्मेट्स कहां डिफरेंट है यार, रीपेमेंट तो मैंने नहीं, अच्छा वो रीपेमेंट वो वाला, वो दो ही बातें, या तो प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा होगा उसके लिए किसी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में काम चल जाएगा, या फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होगी उसके लिए फिर वो स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ये फर्क कैसे पहचानेंगे? वर्डिंग से, जैसे कहा है कि प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है तो वो तो वर्डिंग से पता चल गया, लेकिन अगर प्रिंसिपल का वर्ड नहीं है बस कहा है लोन इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो कैसे चेक करें? मल्टीप्लाई करके देख लें कि अगर वो अमाउंट से ऊपर निकल गया तो वो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, और अगर लोन अमाउंट से ऊपर नहीं निकला है, लोन अमाउंट ही है तो वो प्रिंसिपल इक्वल वाला सवाल है, तो ये तो वर्डिंग से पहचानना पड़ेगा। और क्या बेटा मुश्किलें हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में क्या मैं जानना चाह रहा हूं ना क्या मुश्किलें इसमें आपको लगी है ज्यादा, क्योंकि मैंने तो कोशिश की है, प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊ जी, कि कैसे पहचाने स्पेसिफिक और जनरल की पहचान के दोबारा टिप समझ लें। ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस,
ये है ही जनरल। उसके अलावा अगर लोन कंस्ट्रक्शन के दौरान कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन के टाइम लिया है और उसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो वो स्पेसिफिक लोन जो कंस्ट्रक्शन के ही साथ लिया है। अच्छा अब आप कह सकते कब लिया है, 10 दिन पहले 15 दिन बाद, कंस्ट्रक्शन ही के आसपास, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग 50 मिलियन की बननी है और पांचवी लाइन में लिखा हुआ है, इनफैक्ट तीसरी लाइन के एंड पे कि एबीसी कंपनी हैड अवेल्ड बैंक लोन, और चौथी लाइन पांचवी लाइन में लिखा हुआ है कि 138 मिलियन का लोन था, 50 मिलियन की बिल्डिंग, 138 मिलियन का लोन था जिसको अवेल किया है। ये जनरल बोरिंग तो अमाउंट से पहचाना जा सकता है। तो अगर कोई लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के आसपास और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो वो स्पेसिफिक है। इसकी भी मिसालें देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 4 पे आए, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये आज का होमवर्क देना मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 ये आज का होमवर्क है। इसमें पहली दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग 500 मिलियन की बननी है, दूसरी लाइन नीचे पॉइंट 1 में क्या लिखा, बैंक लोन ऑफ 100 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड, तो ये स्पेसिफिक लोन है। पॉइंट नंबर 2, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वॉज यूज, ये जनरल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन 5, पॉइंट नंबर 1 जनरल लोन है, पॉइंट नंबर 2 टेबल में पहली लाइन, पॉइंट 2 टेबल पहली लाइन लिखा हुआ स्पेसिफिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, क्वेश्चन 6, टोटल तकरीबन कोई 500 मिलियन लगना है बिल्डिंग पे, दूसरा टेबल, द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेस, 150 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 300 मिलियन के टीएफसी हैं, ये स्पेसिफिक है क्योंकि अमाउंट भी करीब करीब ही है और ये फाइनेंसेस हैं जो यूज किए हैं तो ये स्पेसिफिक है। जी हाँ जी, डेट भी वही आसपास ही है, 1 जनवरी को फर्स्ट जनवरी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, 1 जनवरी को ही काम शुरू किया है, फिर अप्रैल में जाके टीएफसी ले लिए मजीद क्योंकि अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ रही थी 1 अप्रैल को, तो ये आसपास ही है और अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो ये दोनों स्पेसिफिक लोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये अभी कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, बैंक लोन ऑब्टेन्ड ये स्पेसिफिक है, नंबर 3 रनिंग फाइनेंस ये जनरल है। क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज पे, पॉइंट 1 मीडियम टर्म लोन ऑफ 25 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक लोन है। पॉइंट 2 रनिंग फाइनेंस, क्वेश्चन 9 बता दिया। तो इसी तरह से ना स्पेसिफिक और जनरल पहचाने जाएंगे। अच्छा और क्या मुश्किल आई बेटा, और इस चैप्टर में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, मैं उनके लिए कुछ टिप्स बता सकूं ताकि, क्योंकि मेरी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको प्रैक्टिस कराइए बहुत ज्यादा। क्या मसला बोलिए, नहीं इसमें क्या एसेट पे होने वाला खर्चा यहाँ लिखना है। देखिए अगर सवाल था ही स्पेसिफिक का तो फिर तो यहीं से खर्चे करने हैं, मल्टीपल सोर्सेस का सवाल था तो देखना है किस डेट का खर्चा कहां से करना है, महीने गिनने में मसला है। और क्या मुश्किलें आई हैं, बस फिर इसका मतलब प्रैक्टिस ही आपको मजीद बार बार करनी है, ठीक है। मैं होमवर्क तो चलाऊंगा लेकिन बस ठीक है, ये मसले तो आप उन्हीं सवालों को बार बार करेंगे तो हो जाएंगे रिजॉल्व। मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा मसले हो गए, ठीक है ये आप इन्हीं सवालों को बार बार करिए बहुत है। रीपेमेंट से पहले पहले इस सवाल में कोई और परेशानी, मल्टीपल सोर्सेस का सवाल जिसमें रनिंग फाइनेंस यानी जनरल बोरिंग भी है, स्पेसिफिक भी है
ये मल्टीपल सोर्सेज हैं, या मतलब तीन है ना, अपने पैसे हैं, स्पेसिफिक है, जनरल है, कोई से दो हो गए तो मल्टीपल सोर्सेज का सवाल। या फिर अटू में क्यों नहीं आया? मिड टर्म में, हाँ आई 16 के बाद वाले सारे, हाँ आई 40, 20, 23, 36 जी, हाँ जी आई 16 के बाद जो पढ़े हैं आई 20, आई 23, आई 36, आई 40, ये चार, ये मिड टर्म मैं कर लूँ। बाकी लोग टेस्ट कलेक्ट कर लेना अभी जाते हुए। चले रीपेमेंट वाला पॉइंट समझ लें। बैंक का लोन वापस कब करने की बारी आ गई? 31 मई। क्वेश्चन 7 कर रहा है। क्वेश्चन 7 में जो नीचे पॉइंट 1, 2, 3 है उनमें पॉइंट 2, क्वेश्चन 7 जो पॉइंट 1, 2, 3 नीचे वाले पॉइंट 1, 2, 3 है उनमें से पॉइंट 2 दूसरी लाइन, द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 half-yearly इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 million ईच अलोंग विद इंटरेस्ट। क्या मतलब? कि जब 6 महीने गुजरेंगे तो 5 million प्रिंसिपल के नाम पे वापस कर रहे होंगे और उस वक्त तक जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी दे रहे होंगे। ये मतलब है इस लाइन का, प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 half-yearly इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 million ईच अलोंग विद इंटरेस्ट, कि जो उस वक्त इंटरेस्ट बनता होगा वो भी देंगे और 5 million भी वापस करेंगे। ये हर 6-6 महीने बाद होगा, हाफ ईयरली यानी हर 6-6 महीने बाद, और पहले दफा वापसी का मौका आएगा 31 मई 2010। ये पॉइंट 2 की दूसरी तीसरी लाइन बताइए मैंने। अब अगर लोन वापस करेंगे तो उसकी भी एक पेमेंट तो करनी है, उसके बारे में देखें। इस सवाल से हटके पहले एक बात समझा रहा हूं। एक 40 million का बैंक ए से लोन लिया हुआ था 12% पे, लोन ले लिया था और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, 40 million पे 12% कैपिटलाइज होता जा रहा है। इस दिन आके बैंक ए से हो गया झगड़ा, हमने बैंक बी से बात की कि हम आप हमें लोन दे दें, उसका लोन वापस करना चाहते हैं। बैंक बी खुशी खुशी आ गया, बैंक बी ने हमें 40 million का लोन दिया लेकिन दिया 13% पे। हमने बैंक बी से लोन लेके बैंक ए को वापस कर दिया, तो बैंक ए का लोन वापस हो गया तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाएगी, लोन तो वापस कर दिया लेकिन जो दूसरा लोन लिया है वो एसेट के लिए तो नहीं लिया, वो तो लोन ए वापस किया है। असल में ना लोन ए एसेट के लिए था और लोन ए ऑफिशियली तो वापस हो रहा है लेकिन टेक्निकली हमारी बोरिंग खत्म नहीं हो रही, हमने एक बैंक से लोन लेके दूसरा बैंक को वापस कर दिया, तो लोन तो मौजूद रहा, बोरिंग तो मौजूद रही, इसलिए बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। लेकिन उसकी कैलकुलेशन पे फर्क ये पड़ेगा कि यहां से यहां तक 40 million पे 12% लगेगा लेकिन यहां से ऑनवर्ड 40 million पे 13% लगने लग जाएगा। अगर एक लोन लेके दूसरा लोन वापस कर रहे हैं तो फिर लोन टेक्निकली वापस ही नहीं हो रहा, इसलिए रेट लगता रहेगा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी, बस फर्क ये पड़ेगा कि रेट बदल जाएगा। अब आते हैं यहां, 25 million का लोन था, कब वापस किया? 31 मई, इसलिए जून वाले महीने का इंटरेस्ट हमने 20 पे लगाया। 31 मई, 25 में से 5 वापस कर दिया तो जून वाले महीने का इंटरेस्ट 20 पे लगा क्योंकि 5 वापस कर दिया। वापस कहां से किया? 31 मई लोन वापस करना है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो रनिंग फाइनेंस पे जी रहे हैं, बिजनेस का रनिंग फाइनेंस चल रहा है, ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस पता नहीं क्या है, रनिंग फाइनेंस, तो बिजनेस तो रनिंग फाइनेंस पे चल रहा है, तो पैसे ही नहीं है, तो फिर ये लोन कहां से वापस किया होगा? तो हमने फिर पैसे तो है नहीं, ये रनिंग फाइनेंस में से ही वापस किया होगा। अब जब रनिंग फाइनेंस में से वापस करेंगे तो यहां पर फिर 31 मई, अच्छा ये नंबर भी लिखिएगा नहीं आप ये नंबर नोट नहीं करना भी, तो जो 5 million वापस करेंगे वो हम यहां से वापस करेंगे क्योंकि वापस करने के पैसे ही नहीं है, बिजनेस रनिंग फाइनेंस में चल रहा है, लोन वापस करने के पैसे ही नहीं है। अगर यहां होता पैसा अवेलेबल तो यहां से करते क्योंकि लोन के बचे हुए पैसे रखे हुए, तो अगर वो लोन वापस कर रहे हैं तो यहीं से वापस करेंगे ना, तो
तो अगर लोन वापस करना पड़ गया और यहां पैसे हैं तो पहले यहां से वापस होंगे, यहां भी है, पहले यहां से करेंगे आप, पहले यहां से करेंगे क्योंकि जो लोन लिया था वो यहीं से वापस ही करेंगे ना, लोन लिया था वापस कर दें, तो लोन की वापसी पहले यहां से होगी, नहीं है फिर यहां से, ये भी नहीं है फिर जनरल से। तो क्वेश्चंस के बिल्कुल पहले पेज पे जहां मैंने आपको वो एग्जाम टिप्स लिख के दी है उसमें से मैंने आपको 5 बताया है, पॉइंट नंबर 5 जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं बताया अभी। इन एग्जाम नोट्स में से पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें कि अगर लोन, अगर स्पेसिफिक लोन वापस करना पड़ गया तो पहले यहां से करना है। यहां से करने की लॉजिक क्या है कि हमने स्पेसिफिक लोन से बचे हुए पैसे यहां से रखने थे, तो जब स्पेसिफिक लोन ही वापस कर दिया तो उसके बचे हुए पैसे भी तो कम होंगे ना, तो ये पहले यहां से वापस करना, यहां पैसे खत्म हो जाए फिर यहां से करना, यहां भी नहीं रहे तो यहां से करना है। ये पॉइंट 5 में लिखा हुआ है, ब्रैकेट वाली बात नहीं बताई अभी। अच्छा मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये जो रीपेमेंट वाली बात बता रहा हूं ना, इसकी वजह से बाकी सवाल नहीं खराब हुआ, मल्टीपल सोर्सेस डन, ये रीपेमेंट है, ये टेस्ट हुई है 2 दफा इसलिए बता रहा हूं। और अगर आई कैप ने वो सवाल अपनी बुक में ना डाला होता तो मैं बताता भी ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेवल 1 की चीज है, ये टॉपिक लेवल 1 टेस्टिंग है ना, तो मैं ना बताता अगर आई कैप ने अपनी बुक में ये सवाल शामिल ना किया होता तो। लोन रीपेमेंट पहले यहां से, नहीं है तो यहां से, ये भी नहीं है तो यहां से, चले यहां से वापस कर लिया। अच्छा अब यहां से वापस करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहां पर कोई खर्चा आ जाएगा और यहां उसमें इंटरेस्ट लगने लग जाएगा, तो बिल्कुल सही है, लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट हुआ? तो अब इसके ऊपर जो एक महीना है वो कौन सा वाला महीना है? जून का। तो वो जून के महीने में यहां से निकल गया, यहां आ गया। पहले वो स्पेसिफिक लोन 13% वाला था लेकिन जून के महीने में यहां से हट गया, वो जून के महीने में यहां आ गया। ये जो मैंने अभी लोन चेंज की बात की थी, तो इसलिए उस लोन की वापसी यहां से हुई, तो यहां लिखना इसलिए लॉजिकल है कि उसका इंटरेस्ट यहां से शिफ्ट होकर यहां आना शुरू हो जाएगा, इसलिए यहां पर 5 लिखेंगे। यहां तक भी है? नहीं समझ रहे? समझ नहीं आया क्या? समझ नहीं आया, ये जो लाइन लिखी थी ये भी समझ नहीं आई कि अगर एक लोन था दूसरे लोन को लेके पहला लोन वापस कर दिया तो बोरिंग कॉस्ट अप्लाई होती रहेगी ना, बस फर्क ये पड़ेगा कि पहले उस अमाउंट पे इस रेट पे लोन लग रहा, इंटरेस्ट लग रहा था, अब इस रेट पे लगेगा। तो 25 पे 13% लग रहा था 31 मई तक, जून के महीने में 20 पे रेट लगा, वो 5 किधर गया? वो इस बैंक से निकल गया, वो यहां आ गया। अब जून के महीने देखें, इसे आगे गिनेंगे, अब अगला फुल स्टॉप कब लगाऊं मैं सवाल का? ये ईयर एंड आ गया, तो इससे आगे एक महीना ही है ना, तो वो एक महीने का इंटरेस्ट इस पे लग रहा हो, पहले वो यहां था, इस 25 के अंदर वो 5 शामिल था, उस पर 13% लग रहा था, जून के महीने में वो यहां से निकल गया, यहां आ गया, लोन अपना बैंक की शक्ल बदल गया, जब वो इसमें था 13% लग रहा था, अब वो यहां शिफ्ट हो गया तो जो यहां का कैपिटलाइजेशन रेट है वो लगेगा। नहीं हाँ पूछो ना जो कंफ्यूजन है। लोन इंस्टॉलमेंट में पे करना, देखो कुछ कहा मैंने वो तो मेरी एक मिसाल थी ना कि बैंक चेंज कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो क्या लोन वापस नहीं कर रहे? लोन की इंस्टॉलमेंट देना लोन वापस करना ही है ना, तो लोन रीपे हो रहा है। हाँ उसमें किया था लेकिन तब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट इनकम उस सवाल में नहीं डाली हुई थी, अगर कहीं डाली होती तो वो यहां लिखते। मैंने इससे पहले जिन 2-3 सवालों में लोन रीपेमेंट करवाया है ना, मैंने उसकी प्रैक्टिस सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट की हद तक कराई थी, उन सवालों में मैंने रखा ही नहीं था इन्वेस्टमेंट इनकम, होता तो यहां पर उसकी रीपेमेंट आती। मैंने इसलिए कहा ना 5 आपने लिखना नहीं, अभी मैंने कहा था 5 नहीं लिखना अभी। जी
सिमिलर बैंक ऐसे उसी से लोन लेके उसी को वापस कर देंगे। अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं उसी बैंक के रनिंग फाइनेंस से लेके, हो सकता है। ये पांच को यहां लिखना ओके। हम दे कितना रहे हैं, पांच और उसके साथ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 25 मिलियन पे 13%, ये भी दे रहे हैं ना साथ। जब इनकी पेमेंट्स की तो ये एक्सपेंडिचर ऑन एसेट थे, इनकी पेमेंट यहां रखी। देखें जब हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देंगे तो वो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट ही है ना, तो उसको यहां लिखा। हाँ ये लिखा है ना भाई, 1 मिलियन पे किया यहां लिखा, वो जो डैमेजेस के थे। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो यहां पर है ही नहीं, वो एक्सपेंडिचर ऑन एसेट ही नहीं है। ये 1.63 पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट है, कैसे यहां ऐड कर तो रहे। तो जब उसकी पेमेंट करेंगे तो यहां लिखें दोबारा, ये कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स हैं, हमने बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किए, इनकी पेमेंट करेंगे तो यहां दिखा रहे हैं ना। रेन डैमेजेस वाला 1 मिलियन यहां पर ऐड किया, इसलिए उसकी पेमेंट यहां नहीं दिखाई, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर एंड एसेट नहीं है। ये 1.63 पे करेंगे तो बिल्डिंग में ऐड किया है ना, इसका मतलब एक्सपेंडिचर एंड एसेट है, तो उसकी पेमेंट फिर यहां शो करेंगे। तो असल में हम 5 नहीं दे रहे बैंक को, 6.63 दे रहे हैं। पांच यहां पर क्यों लिखा, वो जो लोन की शक्ल बदलने वाली वजह बताइए। 1.63 क्यों लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे किया है और ये इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर ऑन एसेट है, इसलिए इसको भी साथ यहां दिखाया। बस सवाल खत्म हो गए। कितने महीने, 45 दिन, इसलिए नहीं क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा है कि आप महीनों में करें सवाल, तो 1.5 महीने, 3 महीने। इन्वेस्टमेंट इनकम की परसेंटेज कितनी है, 8%। दिस इंटू 8% इंटू 1.5 बाय 12, 7.5 मिलियन इंटू 8% इंटू 3 बाय 12, 10 कितने महीने, 10 रहा, 3.5, ये कब तक 20.5 रहा, दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ये कब तक, ये कब तक। कैपिटलाइजेशन रेट कितना, कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया हुआ, निकाल लेते हैं। एक ही है बस, जनरल बोरिंग एक ही, वही रनिंग फाइनेंस। तो कैपिटलाइजेशन रेट जनरल बोरिंग के लिए तरीका क्या था, समेशन W। अब आपको ये W दिया हुआ है 90 क्या है, 60 क्या चीज है, 60 रनिंग फाइनेंस का कौन सा बैलेंस, एवरेज बैलेंस। मैंने आपको रनिंग फाइनेंस और ओवरड्राफ्ट के बारे में एक बात लिखाई थी कि जब हम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे होंगे तो इनका जो एवरेज बैलेंस है उसको लोन अमाउंट की तरह लेके चलना है, तो वो दिया हुआ एवरेज बैलेंस ही दिया हुआ, एवरेज बैलेंस ही है ना, वो 60 है। ये रेट होता है, रेट नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये तो रेट होता है ना, मल्टीप्लाई कर ले तो ये दिए हुए हमने,
तो क्या करें, ये कैसे निकालें? दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपको उन्होंने ये दे दिया है और ये दे दिया है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 15%, 15%, 15% वाली बात ना समझ आई हो किसी को, आपको एवरेज बैलेंस बता दिया और उस पे जो बनने वाला इंटरेस्ट की अमाउंट है वो बता दी, तो डिवाइड करके रेट निकल आएगा 15%, दिस इंटू 15% इंटू 3.5/12, दिस इंटू 15% इंटू 6/12, 1.5, दिस इंटू 15% इंटू 1.5/12, 4, दिस इंटू 15% इंटू 1/12, 0.3, 5, 2.7, 3.7, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा अब मैं ये करूंगा, मैंने कल भी कहा था कि आप ना इसकी अभी एक दो दिन होमवर्क चला लें, मैं आपको कल और तीन को दिन तकरीबन इन्वेंट्री, एक्रूवल प्रीपेमेंट्स और बैड डेट्स, बेसिक अकाउंटिंग वाले ये करवाऊंगा, उनमें होमवर्क की कोई खास जरूरत नहीं होगी, बस जो क्लास में होगा वो काफ़ी है, लेकिन आप इसका होमवर्क और एक और मेहरबानी अपने पे भी करना, मेरे पे भी, IAS 16 का मैंने आपको एक दफ़ा वो स्केड्यूल बनाना सिखाया था, अगर वो भूल भाल गया है तो वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि IAS 16 है नी ऐसे स्केड्यूल फिक्स, जैसे स्केड्यूल मैंने टेबल बनाया था जिसमें मेहनत सारी टी अकाउंट्स वाली थी, लेकिन वो प्रेजेंट टेबल की तरह था, क्योंकि मैंने अभी बेसिक के बाद आपको कराने हैं डिस्क्लोजर्स, उसमें होना है वो इस्तेमाल। यार आपके क्लास में वैसे टाइम नहीं मिलता इसका, कल मैंने की थी बात कोई, कल भी कोई नहीं की, परसों भी नहीं की कोई, क्या की थी बात कोई याद है? हाँ सही है, ठीक जी पेरेंट्स की बात करते हैं। अच्छा में से एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिनके वालिद ना हो, बचपन से ही शायद वालिद नहीं है, या हो सकता है कि अलहदगी हुई हो, सिंगल पेरेंट बच्चे हो आप, हो सकता है एक्सेप्शंस
मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली जिनके वालदैन हयात हैं और अभी तक हैं, तो अब्बा जी ने कमाया है, अब्बा जी ने खिलाया है, आप अब हो गए हैं जवान। वैसे तो आप अभी भी इस काबिल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जिंदगी में दुनिया में अकेले गुजार सकते हैं, आप अभी नहीं है इस काबिल, आपके बीच में कोई औकात नहीं। आप अभी जितनी आपकी जवानी एग्रेशन है ना, अगर आपको घर से निकाल दिया जाए, निकम्मे हैं आप लोग नहीं कर सकते सर्वाइव। तो इसलिए अभी तक आपको अब्बा जी ही खिला रहे हैं। हो सकता है कोई इतने बहन भाइयों में बहुत छोटा हो तो फिर अब्बा जी अब ना कमाते हो, कोई बड़ा भाई कमाता हो, लेकिन ज्यादातर जो आप यहाँ बच्चे बैठे हैं वो अब्बा जी की कमाई पे ही चल रहे हैं। जब आप और बड़े हो जाएंगे और आपके अब्बा जी और बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि उनको नहीं पता। मैं समझदार हूँ, उनको नहीं पता, और अभी भी शायद ऐसा होता हो, क्योंकि जो शायद किसी गाँव से या किसी इस तरह से कस्बे से आए हैं और उनके अब्बा जी पढ़े लिखे नहीं हैं, दुकानदार हैं, किसान हैं या कोई भी मजदूर टाइप हैं, तो आपको लगता है कि उनको नहीं पता चीज़ों का। हो सकता है कुछ चीज़ें यानी उनको अकाउंटिंग ना आती हो, ठीक है, नहीं आती, नहीं बाकी नहीं पता अब्बा जी को।